हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा में डायल पैड का जो ऑप्शन है उसमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह को कैसे सेव कर सकते हैं अपने आईफोन डिवाइस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे आइकन है पहले से इसमें शो करते हैं। तो इसमें से जो हमारा आइकन है डायल पैड आइकन, हमें उस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो डायल पैड हमारा पहले से ही ओपन दिख रहा है इसमें। तो हम इसमें नंबर सेव करने के लिए हमें हम इस कोई नंबर टाइप कर लेते हैं। जैसे हमारा जो नंबर है हमने नंबर टाइप कर लिया, तो हम इसको ऐड करने के लिए हमारे पास ऐड नंबर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं हमारे पास आ गया फर्स्ट नेम। तो जो हमारा फर्स्ट नेम है इसको ओपन डाल देते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट नेम हो गया, तो आप इसमें लास्ट नेम भी डाल सकते हैं, जो आपका लास्ट नेम हो, कुछ भी अक्षय या कुछ भी वगैरह वगैरह। तो हमने इसमें लास्ट नेम डाल दिया। तो जैसे कंपनी में आप काम करते हैं, काम वगैरह कर रहे होंगे, तो उस कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं आप। तो फिर जो हमारा नंबर है इसमें देखते हैं, ये हमारा नंबर हो गया से इस पर ऐड, और इस पर आप एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हैं और बर्थडे डेट जो भी अपनी डिटेल्स है सारी डिटेल आप इसमें फुल फिलअप कर सकते हैं अपने तरीके से। तो आपको सेव करने के लिए इसमें अभी फ़ोटो का ऑप्शन लगा है, फ़ोटो क्लिक करके अपनी फ़ोटो भी इसमें लगा सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें डन डन करते ही जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे फ़ोन में सेव हो चुका है, यहाँ पर उसका नाम भी आ गया है और मोबाइल नंबर भी। तो इस प्रकार अपने फ़ोन के सेटिंग पर जाकर अपने कॉन्टैक्ट नंबर को हम सेव कर सकते हैं अपने मतलब अपने जो हमारा नंबर है आईफोन डिवाइस में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।